मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पीसीसी चीफ कमलनाथ बड़ा बदलाव कर सकते हैं और चुनाव लड़ने के दावेदारों को संगठन में स्थान न देकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फ्री कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी संगठन में बदलाव किया जाना है। माना जा रहा है कि इस बार कमलनाथ अपनी पूरी नई टीम तैयार करने की तैयारी में है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस अब दो फॉर्मूले अपनाने जा रही है कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं को संगठन में स्थान नहीं दिया जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमलनाथ अब दल बदल से निपटने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। बीजेपी सहित दूसरे दलों से आकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं को टिकट देने के बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस के संगठन में बदलाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए और यह जरूरी भी है क्योंकि कांग्रेस में अभी नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता कम है। कांग्रेस का जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो मंच पर भीड़ हो जाती है और सामने की कुर्सी खाली पड़ी रहती है।